साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। रुपोली प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने अपना अपनी जीत का दावा ठोका, जिसमें जानकी देवी कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के लिए, गौरी शर्मा काम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, विवेकानंद शर्मा नाथपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, युवराज कुमार ग्राम पंचायत भिकना पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, सुमन भारती विजय मोहनपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, अमीन रविदास गोरिया पत्ती माता पंचायत से मुखिया प्रत्याशी, हीरा देवी गोरियरपुर पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए, सुनील पंडित सुनीता कुमारी नाथपुर पंचायत से, लासा जायसवाल पतिश्री माता पंचायत समिति, सुधीर कुमार गोरियार गोरिया पंचायत सरपंच पद के लिए जीत का दावा ठोका। सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र के अमन शांति व संपूर्ण विकास की बात कही। अगल बगल के पंचायत में नल जल का काम, क्योंकि वो मुखिया के अंदर में काम किया गया था, मुखिया के अंदर से, और संजोग ऐसा हुआ कि वहाँ PhD विभाग को काम मिला, लेकिन अभी तक जो है काम हुआ नहीं है। हम लोग और हमारे साथ में जो भी सहयोगी हैं, पूरे पंचायत के लोग इस बात से दुखी हैं कि आखिर क्यों नहीं इस काम को अंजाम दिया गया। सरकार के कर्मी को चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह योजना चला नल जल का, उस पर बिना छिटा किसी किए हुए काम करना चाहिए उसको। अच्छा जी, हो या दिन हो, जैसे उन्हें वोटर दे के सम्मानित करते हैं सभी वार्ड के सभी जनतागण, उसी तरह उनके लिए समर्पित रहना चाहिए। और जहाँ तक रही बात और रहेंगे, और जहाँ तक रही बात योजनाएं की, यह योजनाएं जो है आज से नहीं, कई वर्षों से, कई सालों से चलती आ रही है। और छोटे योजना हो या बड़े योजना हो, उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक रहेगा, मैं जनता के हित में कार्य किया हूँ और सदैव करता रहूँगा। आपका युवराज कुमार, कौन सा पंचायत से नॉमिनेशन दिया है? ग्राम पंचायत भिकना। कौन पद के लिए? मुखिया पद। पूर्व से मुखिया थे? पहले भी मुखिया थे, अभी हैं, अभी भी। फिर ये है, इसका क्या लक्ष्य है कि आप फिर आइएगा तो क्या विकास का जो बचल खुचल है, क्या जो बचा खुचा है, मैं सब विकास कर। विकास में जैसे कि एगो बाकी में रोड है, पहला काम तो हम वही करें। एक तो रोड है, दूसरा कि बहुत जर्जर है, दूसरा और सब है, गली उली का काम है, वो सब करेंगे। तीसरा में और कोई नजर? ढेरी काम है, समझे, बहुत सारा काम है करवा है। विवेकानंद शर्मा, कौन सा पंचायत से? नापुर पंचायत से। कौन पद के लिए? मुखिया पद के लिए। आप जब जीत के आइएगा, आपका क्या रहेगा विकास का लक्ष्य? विकास का लक्ष्य यही, सभी का विकास हो, किसी का शोषण नहीं हो। अच्छा, और सब उचित न्याय मिले। अच्छा, उचित सम्मान मिले। हुँ। सब एक तरह से अपना जिए, खुशहाल रहे, यही मेरा गाथी रहेगा। क्या नाम हुआ? विवेकानंद शर्मा। कौन सा पंचायत? क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिया? कौन पद के लिए? सरपंच। तो आप जीत जाइएगा, आपका क्या रहेगा पंचायत में? न्याय चाहिए सबको। अच्छा, न्याय चाहिए। रविदास, कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिया है? गोड़ीपट्टी सिमत्ता से। कौन पद के लिए? मुखिया पद के लिए। इससे पूर्व भी मुखिया थे जी। फिर आपको क्या कमी बुझाया जो फिर आपको दोबारा देना पड़ा कि हम सुदृढ़ हो सके? हमको 5 साल का मौका मिला था, लेकिन काम अढ़ाई साल ही कर पाए हैं, उसके मुताबिक फिर भी हम 5 साल का काम किए, और आगे जो हम आएंगे 5 साल के बदले में हम 10 साल का काम करेंगे 5 साल के अंदर में। क्या नाम हुआ? अमीन रविदास। कौन सा पंचायत? गोड़ीपट्टी सिमत्ता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार। कैंडिडेट का नाम? सुनीता कुमारी। आप? अमिता हस्बैंड। कौन सा पंचायत से नॉमिनेशन दिए? नागपुर पंचायत 04 से, पंचायत समिति पर। जब आप जीत के आइएगा, आपका क्या रहेगा लक्ष्य? मेरा सोच यही है कि इतना विकास करें पूरे बिहार में मेरा नाम हो। अच्छा, और वैसा कोई इस बिहार में पंचायत समिति सदस्य नहीं किया हो जो हम नागपुर पंचायत के जनता को देना चाहते हैं। अच्छा, विकास का क्या होगा ना एजेंडा? एजेंडा देखिए, अभी हम जीते नहीं हैं, क्या क्या उसमें फंड है, क्या क्या योजना, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है।
हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाने के लिए और इस पंचायत को देने के लिए। जहाँ तक कोशिश करेंगे, जो योजना नहीं आने का होगा उस भी योजना के लिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे इस प्रखंड कार्यालय के अंदर। क्या नाम है कैंडिडेट का? सुनीता कुमार। कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिया? कौन पद? आप जब जीत के आइएगा आपका क्या रहेगा विकास के लिए? विकास के अनुदान क्या रहेगा? विकास के तौर पर जो भी छूटा हुआ काम है, जैसे आवास का हुआ, जो कि मतलब गली नगरी है और जल नहीं लगा हुआ है, वो भी अधूरा काम बचा हुआ है जो कि अभी ठप है, सबको सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? विमल कुमार जायसवाल। कैंडिडेट का? हो गया अभिलाषा जायसवाल। कौन सा पंचायत? बुरे पट्टी सिमत्ता। कौन सा पंचायत से नॉमिनेशन दिया है? कौन पद के लिए? अब जब जीत के आइएगा तो आपका क्या रहेगा विकास से क्या सब लक्ष्य? विकास आगे पढ़ाएंगे। विकास में एक तो होता है ना कि हमको सब जो अधूरा बच गया है उसको हम आगे ले जाएंगे। बचा है। इससे पूर्व भी आप मुखिया थे? इससे पूर्व भी मुखिया थे? इस पंचायत में आवास का कहाँ तक काम हुआ? कौन सा पंचायत? नाम क्या हुआ? फिर से बोलिए। क्या नाम हुआ? सुनील मंडल। कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिया? दूसरा टीकापट्टी। कौन पद के लिए? पंचायत समिति। आप जब जीत के आइएगा आपका क्या लक्ष्य रहेगा विकास का? विकास करेंगे। लक्ष्य होगा ना कि भाई हम आएंगे तो मतलब ये सब काम अधूरा है उसको पूरा करेंगे? जो काम बचा हुआ जितना भी है हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सुनील मंडल। कौन सा पंचायत? दूसरा टीकापट्टी। कौन पद? पंचायत समिति। कौन पंचायत से नॉमिनेशन दिया? पूरब। कौन पद के लिए? सरपंच पद के लिए। जब आप जीत के आइएगा तो आपका क्या रहेगा न्यायिक प्रति का सब लक्ष्य? जीत के आने के बाद जो भी न्यायिक पंचायत यहाँ पर होगी, हम लोग न्याय फैसला लिया जाएगा ताकि जनता के लिए जो काम करे हम लोग न्यायिक तौर पर सही फैसला दें और आगे के लिए जो भी होगा हम लोग सर्वसुजग काम करेंगे। आप कौन हुए? उनका हम भतीजा। कभी कभी देखा नाम है आपका? दिलखुश कुमार। कौन पंचायत से? बोरियर पूरा। कैंडिडेट का क्या नाम है? रंजो देवी। कौन सा पंचायत से नॉमिनेशन दिया? पश्चिम बोरियर से। क्या नाम है कैंडिडेट का? जानकी देवी। अच्छा, विकास का क्या रहेगा एजेंडा? शौचालय सबका जो काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे और क्या कहता है नारी जो होता है भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। आपके पंचायत में आवास का कितना काम हुआ? अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक। भारतीय ब्राइडल जोन एंड